चलते हैं किसी टीचर की तरफ। आप लोग टीचर बनना चाहते हो बोथ ऑफ यू, तो मुझे अगर मान लीजिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अपने बायोडाटा के अंदर अगर लिख दिया कि एक्सपीरियंस और नीचे लिख दिया फ्रेशर, विल इट सूट? क्या टीचर को सूट करेगा? नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? अब उन्होंने किसी स्कूल में काम ही नहीं किया तो क्या कर सकते हैं? झूठ तो बोल नहीं सकते वो। ऐसा तो नहीं है कि झूठ में तो स्कूल का नाम लिख दिया कि मैंने इसमें काम किया, पूछ लेना चाहे, पूछता थोड़ी ना, ऐसा मन में सोचा, ये भी गलत है। तो एक व्यक्ति जिसने टीचिंग का काम ही नहीं किया वो क्या लिखे, क्या कर सकता है? यस सर, कोई आइडिया क्या लिखेगा? ही कैन गो विद ट्यूशन। यस, बहुत से लोग मुझसे पूछते भी है कि सर मैंने ट्यूशन पढ़ाई है मगर मैंने टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ ये टीचिंग ही तो है यार, आपने पढ़ाई तो है, ट्यूशन पढ़ाई है ना, कितने साल पढ़ाई है, आप लिखो ना उसको, आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स पर्सनल ट्यूशन, गिवन ट्यूशन, दैट इज द बेस्ट वे। तो जब आप कोई टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो और आपको बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसका एक्सपीरियंस दे सकते हो? यू कैन गो इट विद ट्यूशन, नो प्रॉब्लम, इट लुक्स बेटर, ज्यादा अच्छा है, बजाय आप बड़ा बड़ा क्या लिखो एक्सपीरियंस और उसके नीचे क्या लिखो, वो गलत है, वो बहुत गलत है।